हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोडेटा बुक का नेक्स्ट टॉपिक। उसमें हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स। तो उन्होंने बोला है कि बर्ड्स कैसे बिलोंग करते हैं, क्लास एव से बिलोंग करते हैं जो कि सुपर क्लास टेट्रोपोडा के अंदर आते हैं। इन्होंने बताया कि बर्ड्स के अंदर कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे कि फीदर्स पाया जाना, ठीक है। आगे इन्होंने बताया कि बर्ड्स में भी डिस्क्राइब ऐसे बर्ड्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनके अंदर फीदर्स पाए जाना, बाइपेडल लोकोमोशन है, मतलब दो पैरों पर ये चलते हैं, और इन्होंने के बताया कि फ्लाइंग वर्टिब्रेट है, ये फ्लाइंग वर्टिब्रेट है जो उड़ते हुए वर्टिब्रेट है हमारे पास, और उनके पास क्या है, विंग्स पाए जाते हैं। आगे हमारे पास आता है ओरिजिन एंसेस्ट्री ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की ओरिजिन और उनकी एंसेस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आते हैं आर्कियोसोरस एंसेस्ट्री। इन्होंने बताया है कि जो हमारे पास आर्कियोपटेरिक्स थे वो कनेक्टिंग लिंक किस प्रोवाइड करते थे, किस किस के बीच में, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में आर्कियोपटेरिक्स एक कनेक्टिंग लिंक है। और जो हमारे पास सूडो सूचियंस है वो क्या है, उनके तीन ग्रुप के अंदर इनको डिवाइड करा गया, वो है टेरोसोरिया, सूरेशियंस एंड ऑर्निथिशियंस। इन्होंने बताया कि इन तीनों के पास क्या है, पोटेंशियल है एवियन एंसेस्टर बनने का, ठीक है। आगे इन्होंने बताया कि ईच ग्रुप हैज़, हर ग्रुप मतलब इन ग्रुप में कुछ एक मेंबर हैं जिनके अंदर बर्ड्स की तरह क्या है, फीदर्स पाए जाते हैं, ठीक है। इट कंसिडर आ गया है कि जो बर्ड्स हैं वो कैसे ओरिजिनेट हुए हैं हमारे पास, वो ना जो फ्लाइंग रेप्टाइल्स है उनके पास कैसे, मतलब विंग्स कैसे पाए गए थे, मेम्ब्रेनियस विंग्स पाए गए थे, और उनके अंदर लाइट बोन थी, उनकी बोन कैसी थी, हल्की थी, ठीक है। आगे उन्होंने बोला है कि बट ये जो भी अब इन्होंने एंसेस्ट्री या व्यू दिया है वो अभी जो टुडे टाइम में सपोर्ट नहीं करा जा सकता, नहीं माना जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि जो सम ऑर्निथिशियंस और सूरेशियंस है हमारे पास वर बर्ड, जो क्या है, वर बर्ड लाइक फॉर्म, इनके अंदर बर्ड्स की तरह फॉर्म पाई जाती है, जैसे क्या पाया जाना, थ्री टोस पाया जाना और थ्री डिजिट्स पाया जाना, ठीक है। और इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, जो हैंड्स है या फिर फोर लिंब है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस फॉर्म में पाई जाती है। आगे इन्होंने बताया कि जो इनके पास स्कल है वो कैसा है, बहुत ही लाइट वेट है या लाइट बिल्ड है, और इनके अंदर टीथ एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो माउथ है वो बीक की फॉर्म में होता है, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो इनके अंदर बीक की फॉर्म में जो माउथ प्रेजेंट है वो किसके लिए यूज़ करा जाता है, वो एग ईटिंग हैबिट के लिए यूज़ करा जाता है। इन्होंने बताया कि जो एट प्रेजेंट सच विंगलेस फॉर्म आर यूजली, इन्होंने बोला कि एट प्रेजेंट के अंदर जो भी बर्ड्स है वो किस टाइप, मतलब वो किसके रिलेटेड रिगार्डिंग है, उनके एंसेस्टर किसको बताया गया, जो विंगलेस फॉर्म पाई जाती थी ओल्ड टाइम के अंदर, उनको बताया गया कि वो प्रेजेंट टाइम के एंसेस्टर को रिगार्डेड करते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि आगे कि सम आउट अब इन्होंने जो विंगलेस फॉर्म थी लाइक ओल्ड टाइम पे, वो कैसे उन्होंने कैसे ना कैसे क्या उनके अंदर फीदर्स डेवलप हो गए और उन्होंने फ्लाइट करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रो एव्स। तो इन्होंने प्रो एव्स के अंदर बोला है कि प्रो एव्स डिड नॉट हैव, इन्होंने बताया कि जो प्रो एव्स थे उनके अंदर क्लेविकल या फिर विश बोन, जो कि किसके अंदर पाई जाती है हमारे पास, बर्ड्स के अंदर और आर्कियोपटेरिक्स, इंक्लूडिंग आर्कियोपटेरिक्स के अंदर क्या पाई जाती है, क्लेविकल या फिर विश बोन पाई जाती है, जो इन्होंने बोला है कि जो किस शेप की होती है, वी शेप की बोन होती है, ठीक है। आगे इन्होंने बताया कि दैट इमिटेड एंसेस्टर कुड हार्डली हैव बीन विदाउट इट। इन्होंने बोला है कि जो अभी जो एंसेस्टर आ रहे हैं उनके पास वी शेप की विश बोन पाई जाना ज़रूरी है, ठीक है, उनके अंदर पाई जाती है, बट जो प्रोएव्स है उनके अंदर ये विश बोन या फिर क्लेविकल बोन नहीं पाई गई थी। इन्होंने आगे बताया कि मोर ओवर ऑल दिस एंसेस्टर रेप्टाइल आर हाईली स्पेश, बट जो प्रोएव्स थे इनके अंदर कुछ एक हाईली स्पेशलाइज करेक्टर्स या सेवलर करेक्टर्स थे जो क्या करते थे, जो बर्ड से बहुत ही अलग थे, ठीक है। आगे उन्होंने बट क्या बताया कि आगे जो प्रो एव्स हैं उनके अंदर जो एवियन स्ट्रोक अरोज हुई थी, जो कि प्रमियन और इवन उससे अर्लियर टाइम के अंदर इवॉल्व हो गई थी, वो किसकी तरह थी, उन्होंने बताया कि वो एव्स की तरह पाई जाती थी। आगे इन्होंने बताया कि जो हिल मान थे हमारे पास, उन्होंने सजेस्ट करा है कि अपनी हाइपोथेटिकल कनेक्टिंग लिंक बताया प्रो एव्स को किस किस के बीच में, सूडो सूचियंस और फर्स्ट बर्ड के बाद। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बर्ड्स के कुछ करेक्टर। इन्होंने बताया कि जो बर्ड्स है वो रेंज कहाँ से करते हैं, ईगल जो बहुत ही हमारे पास पता है कि हाई स्काई के अंदर उड़ता रहता है, और ह्यूमिंग बर्ड जो क्या है, टाइनिंग ह्यूमिंग बर्ड है, वो क्या है, फ्लोवर के आसपास क्या मंडराती रहती है, ठीक है। आगे इन्होंने बताया कि जो हमारे पास आर्कियोपटेरिक्स है वो एक क्रूशियल रोल प्रोवाइड करती है डायनासोर और बर्ड्स के बीच में, ठीक है। जो हमारे पास आर्कियोपटेरिक्स है उनके कुछ फीचर्स बताएंगे जो ट्रांजिशनली जो डायनासोर को बर्ड्स के अंदर इनके साथ लिंक करने में हेल्पफुल होते हैं, वो क्या है, उनके अंदर फीदर्स का पाया जाना, विशिष बोन का पाया जाना और होलो बोन्स का पाया जाना, ठीक है। और जो हमारे पास आर्कियोपटेरिक्स है उनके अंदर कुछ फ्लाइट रिलेटेड अडेप्टेशन देखी गई थी, जैसे ग्लाइडिंग और पावर्ड फ्लाइट होना, जो क्या करते हैं, वो इवेंचुअली लीड करते हैं किस चीज़ को, कि ट्रू बर्ड्स का क्या होना, इवोल्यूशन होना। आगे हमारे पास बताया गया इन्होंने कि जो द की इनोवेशन
इन्होंने बताया कि द की इनोवेशन दैट अलो बर्ड टू बिकम सक्सेस, एक जो की इनोवेशन बर्ड्स के अंदर देखा गया जो इनको सक्सेसफुली क्या बनाता है, फ्लायर बनाता है, मतलब कि इनको उड़ने में हेल्पफुल बनाता है, वो क्या था, फीदर्स का डेवलपमेंट होना। आगे इन्होंने बताया फीदर्स के कुछ बारे में, फीदर्स के बारे में, तो फीदर्स क्या है हमारे पास, फीदर्स आर हाईली स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। इन्होंने बोला कि फीदर्स क्या है, हाईली स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जो किससे मिलकर बना होता है, कैरेटिन से मिलकर बना होता है, जो क्या प्रोवाइड करता है हमें, इनको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इंसुलेशन का मतलब होता है कि हीट को लॉस ना होने देना, ठीक है। एरोडायनेमिक लिफ्ट, इनको लिफ्ट करने में हवा के अंदर हेल्पफुल रहता है। और कलराइजेशन फॉर डिस्प्ले पर्पस, डिस्प्ले पर्पस के लिए इनके अंदर जो विंग्स हैं उनका अलग अलग कलर का पाया जाना। आगे इन्होंने बोला कि दैट अलोविंग देम टू एक्सप्लोर न्यू, इनको विंग्स के थ्रू क्या करते हैं, फ्लाइट करते हैं, तो फ्लाइट के थ्रू इनके अंदर क्या पाया जाता है कि ये अलग अलग इकोलॉजिकल निके के अंदर क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उनके अपने प्रीडेटर से इनको एफिशेंटली एस्केप होने में ये फीदर्स इनको क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। आगे हम देखने वाले हैं अडेप्टेशन इन बर्ड। तो उन्होंने बताया कि बर्ड्स के अंदर कुछ एक अडेप्टेशन देखे गए थे, जैसे यूनिक रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इन्होंने इवोल्यूशन देखा गया था, डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का इवोल्यूशन। तो उन्होंने बोला है इनके अंदर जो एयर सैक है वो किससे कनेक्ट हो गए थे, लंग्स से कनेक्टेड हो गए थे। दिस एवियन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो ये जो इनका एवियन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या करता है, इनको अलो करता है एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज, इनेबल बर्ड टू एक्सट्रैक्ट मोर ऑक्सीजन। इन्होंने बोला कि जब वो हवा के अंदर उड़ते रहते हैं तो उस दौरान उनके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा गैस का एक्सचेंज होना, उसके अंदर इनको हेल्पफुल मिलती है, ये जो एयर सैक का किससे कनेक्टेड होना, लंग्स से कनेक्टेड होना, इनको हेल्पफुल प्रोवाइड, ठीक है, मदद। सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अडेप्टेशन इन बर्ड। तो इनके अंदर इन्होंने बोला है कि कुछ एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का डेवलपमेंट देखा जाना, उनके अंदर इवोल्यूशन देखा जाना, जैसे एयर सैक्स कनेक्टेड टू लिंग्स। इनके अंदर जो बर्ड्स है उनके अंदर क्या देखा गया, जो एयर सैक है वो किससे कनेक्टेड है, लंग्स से कनेक्टेड है, जो क्या करते हैं, दिस एवियन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो एवियन रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करते हैं, अलो करते हैं, किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए, बहुत ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज के लिए इनको हेल्पफुल होते हैं ये। आगे इन्होंने बोला इनेबल बर्ड टू एक्सट्रैक्ट मोर ऑक्सीजन। इन्होंने बोला कि जब वो फ्लाइट के दौरान वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ले, इनके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अंदर आए और गैसियस एक्सचेंज उतना ही ज़्यादा हो, इसके लिए इनको बहुत ही ये हेल्प करते हैं। आगे इन्होंने बताया जो बर्ड्स के अंदर ये हाई मेटाबॉलिक रेट के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें पता है कि मेटाबॉलिक रेट के अनुसार क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है ऑक्सीजन से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से एनर्जी ATP प्रोड्यूस होगी, तो ये क्या इनको क्या करेगी, एक एफिशिएंट एक्टिव फ्लाइट के फ्लाइंग के अंदर इनको हेल्पफुल होगी, ठीक है। आगे इन्होंने बोला डिफरेंट बर्ड स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड स्पेशलाइज्ड अडेप्टेशन। इन्होंने बोला कि बहुत सारी डिफरेंट स्पीसीज है जो उन्होंने अपने आप को उनके अंदर बहुत सारी स्पेशलाइज्ड अडेप्टेशन देखी गई है उनके डिफरेंट लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। वो क्या थी, जैसे लॉन्ग बीक का पाया जाना फॉर प्रॉबिंग फ्लावर्स, मतलब कि इन्होंने बोला कि प्रॉबिंग का मतलब होता है जाँच पड़ताल, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो ह्यूमिंग बर्ड है उनके अंदर प्रॉबिंग लाइक जो उनके अंदर लॉन्ग बीक पाया जाना जो किस में उनको मदद करती थी, जो फ्लावर्स की जाँच करने में हेल्पफुल होता था, और पावरफुल टैलेंट्स फॉर हंटिंग प्रे ईगल्स। ईगल्स के अंदर क्या पाया जाना है, मतलब उनके अंदर टैलेंट्स का मतलब होता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो पंजे हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा लाइक लंबे हैं और लाइक वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे ही वो मतलब कि क्या करेंगे अपने जो प्रे को पकड़ेंगे तो उनको बहुत जल्दी उनको कैच करने में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। आगे उन्होंने बोला कि वेब्ड फीट फॉर स्विमिंग, जो डक्स के अंदर क्या होता है, वेब्ड फीट का मतलब होता है झिल्लीदार जो उनके पैर हैं वो उनको स्विमिंग करने में हेल्पफुल हो। सो नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जो बर्ड्स आल्सो हैव अंडरगोस अडेप्टिव रेडिएशन, बर्ड्स के अंदर कुछ एक अडेप्टिव रेडिएशन देखी गई थी जो क्या करती है, वेयर दे रैपिडली डाइवर्सीफाई, जो अलग अलग बहुत ही अलग अलग जल्दी जल्दी क्या हो गई थी, डाइवर्सीफाई हो गई थी इनटू डिफरेंट स्पीसीज के अंदर टू एक्सपोलिएट, हाँ क्या करने में, अवेलेबल रिसोर्स, जो उनके पास अलग अलग टाइप के जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे और उनके अकॉर्डिंग जो क्या देखा गया था, बर्ड्स के अंदर डिफरेंट स्पीसीज के अंदर डाइवर्सिफिकेशन देखा गया था। आगे इन्होंने बताया कि इन देयर एनवायरनमेंट, ठीक है, तो उन्होंने बताया दिस प्रोसेस हैज़ लीड टू इवोल्यूशन। उन्होंने बोला कि इस प्रोसेस के कारण इनके अंदर जैसे 10,000 बर्ड्स का क्या देखा गया था, अडेप्टेशन देखा गया था, ठीक है, स्पीसीज ऑफ वाइड रेंज ऑफ उनके अंदर क्या देखा गया था, कुछ एक इवोल्यूशन क्या क्या देखा गया था उनके अंदर, जैसे इवोल्यूशन में उनके अंदर देखा था कि उनके साइज के अंदर अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन आ गया, शेप के अंदर आ गया, कलर के अंदर आ गया, बिहेवियर के अंदर आ गया,
देख कोलोनाइज ऑलमोस्ट एवरी, इन्होंने बोला है कि जो बर्ड्स हैं हमारे पास वो हर एक हैबिटेट के अंदर क्या हो गए थे, कोलोनाइज हो गए थे। कैसे? वो अर्थ पे हर जगह पाए जाते हैं, जैसे डेजर्ट के अंदर पाए गए, माउंटेन्स के अंदर पाए जाते हैं, ओशंस के अंदर पाए जाते हैं, शोविंग देयर इवोल्यूशनरी सक्सेस, जो इनके क्या कहते हैं इवोल्यूशनरी सक्सेस को शो करते हैं हमारे पास। तो थैंक यू।